जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी जानते हैं भगवान ब्रह्मा सृष्टि के उत्पन्नकर्ता, सृष्टि के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु जग पालन करता है, पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव जग संहार करता हैं। माँ मूल प्रकृति ने इनको अपना दायित्व सौंप रखा है, हर एक कर्म इनको अधीन है। तो आपने भी सुना होगा, हर कोई अपना मत रखते हैं। अब जैसे कोई भक्त जो शिव की आराधना करता है, शिव की जो आराधना करते हैं, शिव की जो साधना करते हैं, उसको शैव बोलते हैं। भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की जो साधना करते हैं उसे ब्रह्मोपासक बोलते हैं। माँ जगदम्बा की जो सेवा करते हैं उन्हें शाक्त बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, जो भी भक्त होता है उसके लिए जो जिसकी साधना करता है उसको बड़ा मानता है। तो ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों ये जो मूल प्रकृति है, यह जो ब्रह्मांड है, जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि करोड़ों ब्रह्मांड हैं इस मूल प्रकृति के अंदर, और उनके सब में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित रहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे? तो इनकी उत्पत्ति ऐसे है, जैसे ही चतुर्युग, करोड़ों चतुर्युग पूरे हो जाते हैं, जिस जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की आयु को निर्धारित किया है 1000 चतुर्युग बीतने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग मिलकर चतुर्युग का निर्माण करते हैं। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु क्षीण हो जाती है, वो विलीन हो जाते हैं। फिर ऐसे ही 1000 व्यतीत होने पर भगवान विष्णु विलीन हो जाते हैं, और उससे भी 1000 विली होने पर, व्यतीत होने पर युग, भगवान शिव भी अंतर्ध्यान अर्थात मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे ही दोबारा माँ मूल प्रकृति ब्रह्मांड को रचती है, सृष्टि का रचना शुरू करती है, तो वो कभी भगवान विष्णु को प्रथम प्रकट कर देती है, फिर उनसे भगवान शिव प्रकट होते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये सृष्टि का क्रम है। फिर जैसे ही दोबारा सृष्टि करती है तो कभी भगवान शिव को उत्पन्न करती है, उनसे भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी। तो इनकी जो उत्पत्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो निर्धारित नहीं की जा सकती। करोड़ों युग, करोड़ों सृष्टियाँ की जा चुकी है, संहार हो चुका है, प्रलय आ चुकी है। उनके बाद जब वापस सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर के ही रूप हैं, एक ही हैं। वो किस रूप में पहले प्रकट हो जाए वो ही जानते हैं। तो ये जो शास्त्रों के अनुसार था कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो
इनको उत्पन्न करने वाली है वो माँ मूल प्रकृति है, वो अपनी स्वेच्छा से ही सृष्टि का निर्माण शुरू करती है। दुर्गा सप्तशती में भी उन्होंने कहा है, मैं किसी के अधीन नहीं, सब मेरे अधीन है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ, मुझे आदेश देने वाला कोई नहीं है। परमपिता परमेश्वर को अभी तक किसी ने नहीं देखा, उनका दर्शन सिर्फ मैंने किया है, वो हैं और मैं हूँ, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों तो ये था ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। भगवान शिव ने जो, जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है और उनको सबसे बड़ा अर्थात उनकी उत्पत्ति पहले फिर उनसे उत्पत्ति भगवान विष्णु की मानी गई है। ऐसे ही जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, देवी भाग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो उनमें भगवान विष्णु को दीर्घ अर्थात बड़ा बताया गया है, पहले उनकी उत्पत्ति बताई गई है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की, तो ये तीनों एक ही हैं। सृष्टियाँ बदल जाती हैं, संहार होता है, फिर ये ही कोई ना कोई रूप में उत्पन्न होते हैं, तो उत्पत्ति इनकी ऐसे ही हुआ करती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन है, नारद जी ने कैसे इसके बारे में पता लगाया। इंतज़ार कीजिए। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।